हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की बिग बजट फिल्म धाकड़ का इंतजार दर्शकों के बीच बेसब्री से है, जो अगले साल अप्रैल के महीने में रिलीज होगी। इस फिल्म में कंगना रनौत जमकर एक्शन करती हुई नजर आएंगी, जिसके लिए हॉलीवुड स्टंट डायरेक्टर्स की मदद भी ली गई है। फिल्म का फर्स्ट लुक दर्शकों को काफी पसंद आया है, जिस कारण हर कोई इस फिल्म का इंतजार कर रहा है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कंगना रनौत ने धाकड़ की रिलीज डेट में बदलाव करने का फैसला किया है, जिसके चलते दर्शकों का इंतजार थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है। एक लीडिंग वेबसाइट की रिपोर्ट की माने तो फिल्म धाकड़ को कंगना रनौत पहले 8 अप्रैल के दिन रिलीज करने वाली थी, लेकिन अब उन्होंने इसे 1 महीने बाद बॉक्स ऑफिस पर लाने का फैसला किया है। कंगना रनौत ने मेकर्स के साथ मिलकर फैसला लिया है कि उनकी फिल्म धाकड़ 20 मई 2022 के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कंगना रनौत ने फिल्म धाकड़ की रिलीज डेट में बदलाव क्यों किया, ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन ट्रेड एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि बॉलीवुड की धाकड़ गर्ल, KGF 2 और लाल सिंह चड्ढा के बीच होने वाले महाक्लैश के बीच पिसना नहीं चाहती। असल में अगले साल अप्रैल के महीने में KGF 2 और लाल सिंह चड्ढा के बीच क्लैश होने वाला है। कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ इस क्लैश से 1 हफ्ते पहले रिलीज होने वाली थी। ऐसे में धाकड़ को अच्छी तादाद में दर्शक मिलने आसान नहीं होते। कंगना रनौत ने इस बात को समझा और मेकर्स के साथ मिलकर फिल्म धाकड़ की रिलीज डेट बदल दी। कंगना रनौत का ये फैसला सही साबित होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि कंगना जोश में नहीं बल्कि होश में फैसले लेने लगी है। एक तरह से कंगना ने ठीक ही किया। अगर कंगना फिल्म धाकड़ को अप्रैल में ही रिलीज करने का फैसला लेती तो यकीनन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उनकी फिल्म का हाल बुरा हो सकता था। बता दें, धाकड़ में कंगना के साथ अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता भी अहम रोल में नजर आएंगे। फिल्म में कंगना एक एजेंट का किरदार निभाती हुई दिखाई देंगी। साथ ही इस फिल्म में वो जमकर एक्शन सीन्स और स्टंट्स करने वाली है, जिसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कंगना की फिल्म धाकड़ बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाती है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर।